तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चर्चा हुई। सोमवार शाम को भारत की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में पाकिस्तान को एंट्री न मिलने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी बौखलाया हुआ है। फिलहाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस बैठक में गैर सदस्य देश शामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अलावा कुछ और देशों ने भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने भारत पर आरोप लगाया है कि ये भारत की पाकिस्तान के लिए नफरत है, जिसके चलते पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में बोलने का मौका नहीं मिला। अकरम ने कहा कि पिछली बार भी पाकिस्तान को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। पाकिस्तान के राजदूत ने इस मंच से भी कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में होने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को भले ही सुरक्षा परिषद के अंदर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। चीन के राजदूत गेंग शुआंग ने अपने भाषण के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा तो की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ समर्थन भी जताया। गेंग शुआंग ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश आज की बैठक में शामिल होना चाहते थे, अफसोस है कि उन्हें इजाजत नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान पर बुलाई गई बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्य और संबंधित देश यानी अफगानिस्तान शामिल हुआ, ताकि काबुल के हालात पर चर्चा की जा सके। पाकिस्तान समेत कुछ देशों ने गैर सदस्यों को शामिल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन नियमों के मुताबिक सुरक्षा परिषद सदस्यों के बीच असहमति के चलते इसकी इजाजत नहीं दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि जो देश इसे भारत की नफरत बता रहे हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के नियमों की जानकारी नहीं है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।